जोडण्याचा काम केले आहे। इतल्या पवित्र मातीने तानाजी मालसुरे, बाजी प्रभू, अहल्याबाई होलकर, लोकमान्य टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर अशी अनेक रत्न दिले आहेत। महाराष्ट्राच्या या सर्व महान विभूतींना मी नमन करतो, प्रणाम करतो। ही आशा अपेक्षाची भूमी आहे, स्वप्ने पूर्ण करणारी नगरी आहे। प्रत्येक क्षेत्रात देशाचे नाव उंच करण्याची भूमी आहे। आपणा सर्वांना माझा नमस्कार। मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री रामदास अठावले जी, श्री हरदीप पुरी जी, संसद में मेरे तमाम सहयोगी, महाराष्ट्र के मंत्री और विधायकगण और भारी संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुंबई और ठाणे देश का वो हिस्सा है जिसने देश के सपनों को साकार करने में मदद की है। छोटे छोटे गांवों कस्बों से आए सामान्य लोगों ने यहां बड़ा नाम कमाया है, गौरवान्वित किया है। यहां जन्म लेने वालों, यहां रहने वालों का हृदय इतना विशाल है कि सपन को अपने दिल में जगा दी है। तभी तो यहां पूरे भारत की तस्वीर एक ही जगह दिखती है। जो भी यहां आते हैं वो मुंबई या रंग में रंग जाता है, मराठी परंपरा का हिस्सा हो जाता है। भाई और बहनों, आज मुंबई का विस्तार हो रहा है, चारों ओर विकास हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहां संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। विशेष तौर पर यहां के ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सड़क और रेल व्यवस्था पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते चार साढ़े चार वर्षों में मुंबई और ठाणे समेत इससे सटे तमाम इलाकों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। आज भी यहां जो 33,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है, उसमें दो मेट्रो लाइन भी शामिल है। इसके अलावा ठाणे में 90,000 गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए अपने घरों के निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट की भी शुरुआत आज की गई है। साथियों, ट्रांसपोर्टेशन किसी भी शहर, किसी भी देश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। भारत तो दुनिया के उन देशों में है जहां तेज गति से शहरीकरण हो रहा है। हाल में एक रिसर्च सामने आई है कि आने वाले दशक में दुनिया के टॉप 10 सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सारे 10-10 शहर भारत के शहर है। यानी देश जितनी तेजी से विकास की गति को पकड़ रहा है उसका एक मजबूत हिस्सा हमारे शहर रहने वाले लोग हैं। मुंबई तो वैसे भी देश की आर्थिक गतिविधियों का सेंटर रहा है और आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। इसलिए केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी तब हमने यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। मुंबई लोकल के लिए सैकड़ों करोड़ का आवंटन किया, यहां के पुराने रेलवे ब्रिजों का नवीनीकरण किया गया। मुंबई लोकल के अलावा भी ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यमों का विस्तार किया जा गया, जिसमें से मेट्रो सिस्टम सबसे प्रभावी माध्यम बनता जा रहा है। आज जो मेट्रो का विस्तार यहां ठाणे में हुआ है, ये मुंबई, ठाणे और आसपास के दूसरे क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी देने के विजन का ही हिस्सा है। साथियों, मुंबई में पहली बार साल 2006 में मेट्रो की पहली परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन 8 साल तक क्या हुआ, कहां मामला अटक गया, बताना मुश्किल है। पहली लाइन 2014 में शुरू हो पाई और वो भी सिर्फ 11 किलोमीटर की लाइन। 8 साल में सिर्फ और सिर्फ 11 किलोमीटर। 2014 के बाद हमने तय किया कि मेट्रो लाइन बिछाने की स्पीड भी बढ़ेगी और स्केल भी बढ़ेगी। पिछले 4 साल में मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने के लिए अनेक नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसी सोच पर चलते हुए आज 2 और मेट्रो लाइनों का शिलान्यास किया गया है, यानी आने वाले 3 साल में यहां 35 किलोमीटर की मेट्रो क्षमता और जुड़ जाएगी। इतना ही नहीं, साल 2022 से 2024 के बीच मुंबई वासियों को 125 किलोमीटर की मेट्रो रेलवे लाइन उपलब्ध हो जाएगी। आज जो शिलान्यास किए गए हैं उससे ठाणे से भिवंडी, कल्याण, दहिसर से लेकर मीरा भाईंदर तक के लोगों को तो फायदा पहुंचेगा ही, इससे पूरी मुंबई में जाम की परेशानी कम होगी। साथियों, ये सुविधाएं सिर्फ आज की आवश्यकताओं के हिसाब से नहीं, बल्कि साल 2035 की जरूरतों को और उसके हिसाब से विकसित क्या किए जा रही है। भाइयों और बहनों, आपका सफर आसान हो, आपका जीवन सुगम हो, लेकिन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिना घर के ना रहना पड़े, इसके लिए भी व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने तय किया है कि साल 2022 में जब देश आजादी का 75वां पर्व मना रहा हो, तब देश के हर परिवार के पास अपनी पक्की छत हो, अपना पक्का घर हो, इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए आज यहां 90,000 नए घर बनाने की शुरुआत हुई है। मुझे बताया गया है कि 3 साल के भीतर ये घर बनकर तैयार हो जाएंगे। साथियों, पहले की सरकार से हमारे संस्कार भी अलग है, सरोकार भी और रफ्तार भी अलग है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी 4 वर्षों में सिर्फ 25.5 लाख घर बनाए थे। उनकी सरकार के लास्ट 4 ईयर में 25,50,000 मकान बनाए थे, जबकि बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार ने करीब 1,25,00,000 से ज्यादा, यानी 5 गुना से अधिक लोगों के लिए
घर बनाए गए हैं। इसका मतलब इतना काम उनको करना होता तो शायद दो पीढ़ी चली जाती। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में 8 लाख घर बनाए जा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर लोगों के लिए अच्छी सोसाइटी का निर्माण किया जा रहा है, और ये वो आदर्श सोसाइटी नहीं है जो कि पुरानी सरकार के दौरान चर्चा में रही थी, बल्कि सही मायने में आदर्श सोसाइटी बनाई जा रही है, जहां एक सामान्य परिवार के सपने पलते हैं, बेहतर भविष्य का आत्मविश्वास जगता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारी सरकार 2.5 लाख रुपए तक की मदद सीधे बैंक में जमा कर रही है, यानी लोन का अमाउंट सीधे 2.5 लाख रुपए घट जाता है, यानी निम्न और मध्यम वर्ग की मदद होम लोन में भी की जा रही है। इसके अलावा पहले के मुकाबले होम लोन पर ब्याज दर भी काफी कम हुई है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत कमजोर तबके के लोगों को, निम्न आय वर्ग वालों को 6.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी भी दी जा रही है। मिडिल इनकम ग्रुप वाला को 3 से 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है। इन प्रयासों का मतलब यह हुआ कि अगर किसी ने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 वर्ष के लिया है तो उसे इस अवधि में करीब करीब 6 लाख रुपए तक की सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। साथियों, सरकार की इन्हीं ईमानदार कोशिशों का नतीजा है कि बीते 1-1.5 वर्ष में लाखों लोगों ने अपना पहला घर इस योजना का लाभ उठाते हुए बुक किया है, खरीदा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 7-8 महीने में नए घर खरीदने की रफ्तार पिछले वर्ष के मुकाबले 2 गुनी से भी ज्यादा अधिक हुई है। मुझे बताया गया है कि आज जो योजना शुरू हो रही है उसमें भी इस तरह के लोगों की मदद की जा रही है। महाराष्ट्र में 85,000 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। साथियों, हम सिर्फ मध्यम वर्ग के अपने घर के सपनों को ही साकार करने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे जुड़ी दूसरी दिक्कतों को भी दूर कर रहे हैं। 4 वर्ष पहले तक किस किस प्रकार की समस्याएं अपनी जीवन भर की कमाई से बुक किए घर को पाने में होती थी, इससे आप भली भांति परिचित है। कुछ लोगों की मनमानी और गलत नीयत के चलते कैसे बरसों तक आपका घर फंस जाता था। ऐसा भी होता था कि वादा वो कुछ और करते थे और डिलीवरी कुछ और होती थी। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का एक बड़ा प्रयास हमारी सरकार ने किया है। आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा देश के अधिकांश राज्यों में नोटिफाई किया जा चुका है। 21 राज्यों में तो ट्रिब्यूनल भी काम कर रहे हैं। मैं फडणवीस जी को बधाई देता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले रेरा को लागू किया है।
देश भर के करीब 35,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 27,000 रियल एस्टेट एजेंट्स इससे रजिस्टर हो चुके हैं। इसमें भी महाराष्ट्र के सबसे अधिक प्रोजेक्ट शामिल है। साथियों सोचिए, 70 वर्षों से बिना किसी सख्त और स्पष्ट कानून के रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा था। अगर पहले ही इस प्रकार का कानून सरकारें बना दी तो घर खरीदारों को अदालतों के चक्कर ना लगाने पड़ते और रियल एस्टेट सेक्टर भी ईमानदारी के साथ खूब फलता फूलता। भाइयों और बहनों, निम्न और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल कैसे कम हो, सरकार इसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। देश भर में उजाला योजना के तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब बांटे गए हैं, जिससे करीब 2.25 करोड़ बल्ब उसमें से महाराष्ट्र में बांटे गए हैं, जिसमें से थाने में भी लाखों बल्ब दिए जा चुके हैं। जो काम पहले 60 वोट का बल्ब करता था, वही अब 7 या 8 वोट का बल्ब कर रहा है। यानी बिजली की बचत तो हो रही है, साथ में बिल भी कम हो रहा है। सिर्फ इसी योजना से देश के तमाम परिवारों को हर साल मिलाकर करीब 16,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही लोगों का हर साल करीब 1100 करोड़ रुपए का बिजली का बिल कम हुआ है। ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने एलईडी बल्ब पर मिशन मोड पर काम किया, कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया, कंपटीशन को प्रमोट किया, बिचौलियों को बीच से हटा दिया, जिसके चलते 4 वर्ष पहले जो बल्ब 250-300 रुपये का मिलता था, वही आज 50 रुपये तक में मिल रहा है। साथियों, केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। देश का कोई कोना, कोई गांव और शहर, कोई वर्ग विकास से अछूता ना रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। गरीब का जीवन स्तर पर ऊपर उठाया जाए, इसके लिए योजनाएं बनाई चलाई जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में गरीब बहनों का जीवन धुआं मुक्त करने और उनके समय की बचत कराने के लिए मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अब तक करीब 6 करोड़ कनेक्शन देश भर में दिए जा चुके हैं, जिसमें से ठाणे समेत पूरे महाराष्ट्र की 34 लाख से अधिक बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। साथियों, ऐसी बहनें जो अपना छोटा मोटा कारोबार करना चाहती है, जैसे सैलून हो, टेलरिंग हो, कोई बुनाई कढ़ाई का काम हो, हथकरघे का काम हो, ऐसा कोई भी काम करना चाहती है, तो उनके लिए बैंकों के दरवाजे खुले हैं। मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक का बिना गारंटी का ऋण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में करीब 1.25 करोड़ ऐसे ऋण दिए जा चुके हैं, जिसमें से 1 करोड़ ऋण बहनों के नाम से आवंटित हुए हैं। भाइयों और बहनों, गरीब को गरिमापूर्ण जीवन मिले, महिलाओं को मान और सम्मान मिले, यही हमारा ध्येय भी है और हासिल भी। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसानों को सिंचाई, जन जन की सुनवाई, विकास की इस पंचधारा से प्रति सरकार समर्पित है। और अंत में फिर एक आप सभी को विकास की नई परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने आशीर्वाद दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यहां से मुझे पुणे जाना है, वहां भी 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का
शिलान्यास और लोकार्पण होना है। आपने भारी संख्या में ये जो ताकत दिखाई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।